एक खबर सामने आ रही है ब्रेकिंग दस दी कि घग्गर किसान के लिए फिर तो परेशानी बने आ और मूनक के नेड़े पटड़ी की पाइप के पाड़ पे दस दिए कि मूनक नेड़े पटड़ी की पाइप के पाड़ पे और पाड़ के चलते खेतों के वाधू पानी जा रहा है और दस दिए कि पानी के कारण जीरी की फसल जो है वह नुकसान हो रहा है और इतने भी दस दिए कि खास तौर पर हुण किसानां दे विच फिर तो परेशानी जो है दिखाई दे रही है किसान चिंतित ने क्योंकि घग्गर किसानां दे लई चिंता का कारण बनिया खास तौर पर दस दिए कि कितना कितने फसल जो है वह वड्डी हो रही है जीरी झोना और इत्थे इसे नूं लैके पानी इस ज़्यादा जमा जदों हुंदा है तां इस फसल के खराब होण दा भी खर्चा जो है कितना कितने रहिंदा है और पाड़ पैण दे चलदे वाधू पानी खेतों च जा रहा है तस्वीरां भी दिखा पा रहा है कि किड्डा वड्डा पाड़ जो है वह पै चुके है और पानी वाधू पानी घग्गर का वाधू पानी किसानों के खेतों च जा रहा है सो पूरी की पूरी फसल बर्बाद होने का भी खर्चा कितना कितने रहता है और मूनक नेड़े पाइप जो है उस दे विच पाड़ पै गया और पाड़ के चलते खेतों के वाधू पानी जा रहा है। उधर मेरे सहयोगी विक्की पुलर जुड़े ने उन्होंने रुख करांगे विक्की किस तरह के हालात जो ने सामने आ रहे हैं और विभाग किस तरह इस निजिठण के लिए तैयार है। बिल्कुल मनप्रीत दस दिए कि फिलहाल जिहड़ा दस दिता जाए कि जिहड़ा पानी आ उह घग्गर तों बाहर खेतों वाल नहीं खेतों का पानी घग्गर वाल जा रहा है लेकिन इत्थे एक वड्डी चिंता की गल यह भी है कि पानी उस दरार पैण करके एक वड्डी लापरवाही भी इत्थे सामने आ सकती है सरकार के प्रशासन की क्योंकि दावे किए जा रहे थे कि जिहड़े उहदे नक्के ने उन्हां नूं पूरी तरह पूर लिया गया है जिहड़ा कम है जिथों कमजोर बन सी उन्हां नूं मजबूत कर दिता गया पर लेकिन इत्थे एक पाइप लाइन दबी हुई सी पुरानी पंचायती राज समय की जिस पाइप लाइन के जरिए जिहड़ा खेतों का पानी घग्गर के आता सी लेकिन जिहड़ी वो पाइप के टुटण के कारण जिहड़ा खेतों का पानी क्योंकि घग्गर के जिहड़ा पानी का लेवल आ इस समय 737 फुट के करीब आ लेकिन वह पानी हजे थले हैगा तो खेतों का पानी उपर आ फिलहाल खेतों का पानी घग्गर के वल जा रहा लेकिन घग्गर के भी जिहड़ा पानी तेजी के नाल वध रहा है कि अगर वो उसनूं ना जिहड़े दराड़ पई है उसनूं ना भरिया गया तो पानी हिमाचल के बारिश हो रही है तो पानी बाहर जाता फिर घग्गर का पानी बाहर खेतों वाल जा सकता जिसके चलते कि किसानों के जिहड़े वो डरे हुए हैं क्योंकि पिछली बार घग्गर ने वड्डी तबाही इस इलाके जिहड़ी मचाई थी पूरी कहानी दे पिछे। बिल्कुल क्योंकि जो अभी पहला भी एक रिपोर्ट दिखाई थी मनप्रीत उस समय भी जिहड़ी पाइप लाइन अभी दिखाईया कुछ किसानों वालों घग्गर का पानी लैके खेतों के पानी लाने के लिए पाइपां दबियां गई सी ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਘੱਗਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇਵਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਦਰਾੜ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਘੱਗਰ ਦਾ ਲੇਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾੜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਕੀ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ